हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिधि सिंह में। आज मैं बीट रूट यानी चुकंदर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और चुकंदर की सब्ज़ी ज़रूर खाएं। चुकंदर की सब्ज़ी में हमने मसालों का यूज बिल्कुल नहीं किया है। मैं कोई भी मसाले नहीं डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। जिसको मसाले नहीं खाने होते हैं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीट रूट की सब्ज़ी बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच राई के दाने यानी सरसों के दाने, 3 से 4 गार्लिक जो हमने बारीक काट लिया है, 1 चिल्ली जो बारीक काट लिए हैं और कुछ करी के पत्ते। 2 बीट रूट को हमने साफ़ करके ग्रेट कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर लिए हैं, कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। 3 से 4 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने देते हैं। अब इसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को ब्राउन होने देते हैं। अब इसमें राई ऐड कर देंगे। करी के पत्ते और चिल्ली डाल दें। अब गार्लिक को थोड़ा और ब्राउन हो जाने देते हैं। गार्लिक ब्राउन हो गया है। अब इसमें बीट रूट डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे और ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है। मैं सब्ज़ी को देख लेती हूँ। सब्ज़ी में अब नमक ऐड कर देते हैं और फिर से इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक कर इसे पका लें। सब्ज़ी को अच्छी तरह पक जाने तक इसे ढक कर पका लें। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें वरना नीचे जल जाएगा, और बीच बीच में चलाते रहें। 3 से 4 मिनट हो गया है। अब देखिए मेरी सब्ज़ी पक गई है। अब मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी तरह पक गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।